इंतजार हो गया है खत्म और दाल बाटी चोखा के शौकीनों के लिए हम लेके आए हैं ग्वालियर में दाल बाटी चोखा। तो हम पहुंच गए हैं बनारसी दाल बाटी पर। हेलो भैया, कैसे हो? बस भैया मजे में। और बताइए आप? मजे में, बढ़िया। हम भी बढ़िया हैं यार। तो कहाँ से हो भैया? ये नाम रखा है आपने बनारसी दाल बाटी। भैया अपन बनारस से ही है। बनारस से ही हो? जन्म बनारस में हुआ अपना। अच्छा, जन्म बनारस में हुआ है। तो ग्वालियर में कैसे आना हो गया भैया? भैया ऐसा है, मतलब पढ़ाई चल रही थी अपने आगरा में, तो अपन ने सोचा कि बिजनेस कराया है, तो अपन ने अपना घर का बना हुआ जो हम खाते आ रहे हैं, तो हमने वो डालना स्टार्ट कर दिया। तो बनारसी लोग शौकीन होते हैं दाल बाटी चोखा के? बिल्कुल, लिट्टी चोखा के शौकीन होते हैं। अच्छा, लिट्टी चोखा के। तो अंतर क्या होता है भैया दोनों में? बस बाटी में अपने कुछ होता नहीं है, लिट्टी में होता है अपना सतुआ, हमारा लिट्टी है। अच्छा, आपका लिट्टी है। तो भाई ये चेक कीजिए, यहाँ पे ये भैया बना रहे हैं, उन्होंने एक बढ़िया सी जुगाड़ करके एक सिगड़ी बना रखी है और उसी सिगड़ी पे ये धीमी धीमी आंच पे ये सेकते हैं। तो भैया एक चीज बताइए, जो ये बाटियां रखी हुई है, ये लिट्टी है ना? यस भैया। लिट्टी, तो इसमें क्या क्या होता है अंदर भैया? अरे भैया इसके अंदर सत्तू हुआ, प्याज, मिर्च, टमाटर, मसाला वगैरह। अच्छा, मसाला वगैरह भरा होता है। और भैया इसमें क्या क्या छुपा छुपा के रखा है आपने? पचमेल दाल अपने। अच्छा, ये पचमेल दाल होती है, इसमें पांच दालों का कॉम्बिनेशन होता है। अभी गर्मा गर्म बनाई है आपने? देखिए धुआं निकल रहा है। हाँ, वही वही मैं कह रहा हूँ यार। और साथ में अपना चोखा। अच्छा, ये चोखा? हाँ भैया। यार चोखा तो बड़ा स्पेशल टाइप का दिख रहा है आपको यार। अरे भैया इसमें इसमें क्या बैगन में यहाँ दिख रहा है? अरे भैया बैगन भुजा हुआ है, इस पे आँच पे भूजते हैं। अच्छा, आँच का बैगन भुजा हुआ है, गैस का नहीं है? भुजा हुआ गैस का नहीं भैया, गैस में कोई स्वाद नहीं आता। हाँ वही तो। अच्छा, सब सिगड़ी पे सिका हुआ है? सिगड़ी पे सिका हुआ, टमाटर, आलू, बैगन सब सिगड़ी पे सिका हुआ है। और साथ में भैया क्या क्या रहता है? अपना भैया प्याज। अच्छा, ये घी? और घी में डुबो के पूरा नहला देते हैं बाटी को। अच्छा, बाटी को नहला देते हैं? नहला देते हैं पूरा। भैया एक बार प्राइस बता दो, क्या प्राइस? अपना 40 रुपए थाली रहेगी, दो बाटी दाल आलू बैगन भरता और अपना सलाद 40 रुपए में। 40 रुपए क्या बात है भैया, रेट तो आपने सही रखा है बिल्कुल। अरे भैया अपन को स्वाद बांटना अभी बनारस। और एक बार भैया एड्रेस भी बता दो लोगों को, बड़ा इंतजार है। स्टेट बैंक अजीरा रोड, इंडसइंड बैंक के सामने। अच्छा, पीछे इंडसइंड बैंक है, उसके जस्ट बाहर आपका स्टॉल लगता है तानसेन रोड पे, सुबह 10 बजे के बाद रात के 10 बजे तक। सुबह 10 से लेकर रात के 10 बजे तक। और एक ही आइटम खिलाते हो? एक ही आइटम भैया, यहाँ के लोगों ने बहुत पसंद किया है अपना। 15 दिन हुआ मात्र। अच्छा, 15 दिन हुआ? मात्र 15 दिन हुआ है यहाँ। और अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है अपना। तो लगाओ भैया एक प्लेट, कैसे लगाते हो आप हम भी देखें यार। ये आ गया अपना दाल भैया पचमेल एकदम। ये दाल पचमेल, ये अपने घर की दाल है, स्पेशल घर वालों ने बनाना सिखाया। तो दाल वगैरह तो कोई और लेना चाहे तो ले सकता है? अरे बिल्कुल भैया, दोबारा रिफिल कितनी बार भी कराना चाहो। अच्छा, चालू पेट भरना चाहिए। ये अपना चोखा भैया। ये आ गया आपका चोखा, इसमें मसाला का बिल्कुल प्रयोग नहीं है, बिल्कुल शुद्ध है। अच्छा, वैसे चोखा वगैरह में चटनी वगैरह डालते हैं ज्यादातर, हमने कई जगह देखा है। अरे नहीं भैया, आपने लिट्टी चोखा बिहार का खाई है, बिहार का लिट्टी चोखा। अच्छा, ये प्रॉपर बिहार का है? प्रॉपर बिहार जैसा स्वाद है अपना। ये साथ में थोड़ा सा भैया अपना नींबू आ गया, ये साथ में नींबू, एक हरी मिर्च तीखी के लिए। अच्छा, एक हरी मिर्ची है, दो बाटी है अपनी बाटी आ गई गरम गरम सिक्के। ये अपनी बाटी, ये आ गई बाटी, ऐसे थोड़ा जला के। अच्छा, तोड़ के अंदर तक जाना चाहिए। अच्छा, तोड़ के डालते हैं आप? हाँ भैया। हो जाएगी घी के अंदर पूरी? डूब गई, छोड़ दो इसको, नहाने दो, नहाने दो। और ये आ गई आपकी बाटी, जादुई मसाला। अरे वाह, अब इसका असली मजा। तो हम पे तो कोई जादू नहीं हो जाएगा खाने के बाद? अरे नहीं भैया, ऐसी कैसी बात। तो भाई हमारा बनारसी दाल बाटी, सॉरी लिट्टी बाटी चोखा रेडी हो गया है। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे यार इनकी पचमेल दाल की, दाल होती कैसी है। दाल का टेस्ट है नॉर्मल सा, जैसी दाल बनती है वैसी ही दाल बनाई है इन्होंने। और साथ में टेस्ट करेंगे इनका थोड़ा सा चोखा। यार चोखे में बैगन है, बहुत अच्छा बोल रहा है, और जैसा चोखा होना चाहिए वैसा ही है। तो चोखा मुझे इनका बहुत अच्छा लगा, जो इनका एक्सपीरियंस है वो चोखे में मुझे ज्यादा लगा। और अब ट्राई करेंगे हम इनकी बाटी। यार हम इनके यहाँ खाने आए थे लिट्टी चोखा, तो हम लिट्टी चोखा ही खाएंगे। और जिसको दाल के साथ ट्राई करना है वो दाल के साथ भी ट्राई कर सकता है। लेते हैं एक बाइट। भाई लिट्टी चोखा का टेस्ट है एकदम
ए क्लास है, नंबर वन है। जैसा कि ग्वालियरवासी मिस करते आए थे अभी तक कि उनको लिट्टी चोखा कहाँ पे खाया जाए, अदर सिटीज में मिलता है, जैसे हमने फरीदाबाद में दिखाया, भोपाल में दिखाया, बनारस में दिखाया, और आज हम लेके आ गए हैं ग्वालियर वासियों के लिए ग्वालियर में भी लिट्टी चोखा। अगर आपको खाना है तो आप आ सकते हैं तानसेन रोड पर, इंडसइंड बैंक के बाहर लगता है भैया का स्टॉल बनारसी दाल बाटी करके, तो वहाँ पे आप आके इनका बाटी चोखा ट्राई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।